छत्तीसगढ़ में सिबरी नहर अंतर्गत महानदी का सीना चीर के रेत माफिया केरा रोड राइस मिल के पास अवैध भंडा फोड़ कर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में लगे हुए हैं। सिबरी नारायण में रेत माफियाओं द्वारा अब केरा रोड राइस मिल के सामने और 100 मीटर आगे भट्ठे के पास अवैध रेत डंप करना शुरू कर दिया गया है। सिबरी नारायण क्षेत्र में लगातार कार्रवाई होने के बाद भी रेत माफियाओं को खनिज विभाग का थोड़ा भी डर नहीं है। तभी तो जेसीबी और हाइवा से दिन दहाड़े रेत की कालाबाजारी की जा रही है। रेत माफिया रात होते ट्रैक्टरों से रेत डंप कराते हैं और उसके बाद उसे जेसीबी की मदद से हाइवा में लोड करके अनाप शनाप रेट में बेचते हैं। इसी कड़ी में खनिज विभाग के नाक के नीचे से गैर कानूनी तरीके से रेत का अवैध भंडारण फिर से क्षेत्र में शुरू हो गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पर न ही प्रशासन की नज़र पड़ रही है और न ही खनिज विभाग के अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे, इसलिए रेत कारोबारी धरने से रेत को अवैध तरीके से नगर के केरा रोड की तरफ डंप कर रहे। सिबरी नारायण से सरोज कुमार, शारथी की रिपोर्ट।